हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको आर्बिट्री कांस्टेंट का एलिमिनेशन करके डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है, आर्बिट्री कांस्टेंट को गिनते समय, काउंट करते समय कैसे हमें किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है और आर्बिट्री कांस्टेंट का डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर से क्या रिलेशन है, ये बातें आपको समझाने की कोशिश की थी। पिछले लेक्चर्स के अंदर मैं काफ़ी सारी बातें आपको सिखा चुका हूँ, सारी एक एक बात बड़ी माइन्यूट चीज़ें हैं, ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका करती हैं। तो बस कंटिन्यूस करते हैं, हम पिछले लेक्चर को आज वाले लेक्चर से कनेक्ट करने के लिए ये एग्जांपल एक मिनट के लिए हम रिव्यू कर रहे हैं। ए एक्स प्लस ए क्यूब, ये मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको एक एग्जाम्पल दिया था। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ हमें दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट दिखाई देंगे, लेकिन वो दो नहीं हैं, क्योंकि ये a है और ये a की पावर 3 है। मैं a को अगर कुछ मानता हूँ तो मुझे a क्यूब को मानने का अधिकार नहीं रहेगा, ये आर्बिट्री नहीं रहेगा। a इज इक्वल टू 2 लेने पर इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, यानी कि अब a की पावर 3 आर्बिट्री कांस्टेंट की कैटेगरी में ना आकर फिक्स्ड कांस्टेंट की कैटेगरी में चला जाएगा। पिछले लेक्चर्स में ये सारी टर्मिनोलॉजी मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो लेट्स सी, आज हम इसी तरह का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हम बना चुके हैं, सी वन मोर एग्जांपल विद वन आर्बिट्री कांस्टेंट। मान लेते हैं कि मेरे पास एक रिलेशन है एक आर्बिट्री कांस्टेंट के अंदर, और वो रिलेशन है y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। ये एक रिलेशन, और मुझसे कहा जाता है कि यहाँ c इज आर्बिट्री कांस्टेंट, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट के लिए हम अगर बात करें कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, तो हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, हमेशा आपको आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या गिननी चाहिए। आप यहाँ काउंट कीजिए, आपको कितने आर्बिट्री कांस्टेंट नजर आएंगे, भले ही ये दो जगह पर लिखे हुए हैं लेकिन दोनों ही सी हैं, इसलिए यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट की संख्या 1 है, 1 है। ध्यान रखिएगा, ये बात बड़े ध्यान रखने वाली होती है। तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब मेरी पिछली बात रिकॉल कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे हमें उतनी ही बार डिफरेंशिएशन करना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट होने के कारण मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये टर्म जो बनेगी डी वाई बाई डी एक्स बनेगी, और इधर की तरफ 2cx माइनस सी डिफरेंशिएशन के बाद मुझे मिलेगा। ये वैल्यू मेरे पास आफ्टर डिफरेंशिएशन आ चुकी है। अब बारी है c का एलिमिनेशन करने की, c का विलोपन करने की। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लिटिल बिट पिछले एग्जांपल की तुलना में हार्ड थी, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस करना ठीक समझा। तो मैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी चाहिए, कैलकुलेशन में किन बातों को हम शामिल कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, वो सब हम सीख रहे हैं। देखिए, हम एक काम करते हैं कि सुविधा के लिए, फॉर कन्वीनियंस, इसे y डैश नाम दे देते हैं। y डैश, ये जो y डैश है, लिखने में थोड़ी सी इसमें सुविधा रहेगी। नाउ अब मेरा टारगेट है इन दो इक्वेशंस की हेल्प से c का एलिमिनेशन करना और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। तो हम c का एलिमिनेशन करने के लिए दिमाग लगाएं, हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, वी हैव द लॉट ऑफ आइडियाज, हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हैं हम सी का एलिमिनेशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी तरीके से सी का एलिमिनेशन कीजिए, यू विल गेट द यूनिक आंसर, आपको यूनिक आंसर मिलने वाला है। तो फिर यहाँ पर मैं यदि सी का एलिमिनेशन करने के लिए कुछ ऐसा प्लान कर लूँ कि मुझे यहाँ भी x माइनस सी नजर आता है, यहाँ भी x माइनस सी, क्यों ना मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँ। यदि हम इसे डिवाइड करते हैं, देन व्हाट हैपेंड, इसे डिवाइड कीजिए, After dividing 1 by 2, तो विद हेल्प ऑफ 1 एंड 2, एक और दो से क्या देखते हैं हम, क्या पाते हैं हम, डिवाइड कीजिए तो हम पाएंगे कि यहां पर इसमें इसका भाग देने पर ये वैल्यू y डैश अपॉन y हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 2c अपॉन c, ये 2 हो जाएगा, x माइनस c अपॉन x माइनस c का होल स्क्वायर 1 अपॉन x माइनस c हो जाएगा, ये मुझे डिवाइड करने के बाद मिलेगा। अब इस इक्वेशन की हेल्प से मैं वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके x माइनस सी की,
ये एक्स माइनस सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ये एक्स माइनस सी जब मेरे पास आएगा वो होगा टू वाई अपॉन वाई डैश। बिल्कुल सिंपल। एक और काम किया जा सकता है, मैं यहां से C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। मेरा टारगेट है C का एलिमिनेशन करना। यदि C की वैल्यू निकल जाएगी तो मच बेटर, हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम C की जो वैल्यू निकलेगी उसे पुट करके C का एलिमिनेशन कर देंगे, विलोपन कर देंगे। तो C का मान यहां जो मुझे मिलता है वो C इज इक्वल टू, ट्रांसफर कीजिए, उधर ट्रांसफर करें तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो होती है x माइनस टू वाई अपॉन वाई डैश। इस प्रकार हमारे पास C और x माइनस सी दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। लेट्स सी, देखिए अब ये जो दो वैल्यूज मेरे पास आई हैं इन्हें मुझे इनमें पुट करना है। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, जो आपको सिंपल लगे, जो आपको सरल लगे पुट कर दीजिए। मैं अगर सेकेंड नंबर इक्वेशन में पुट करने की प्लानिंग करता हूं, सेकेंड नंबर इक्वेशन में इसे पुट करता हूं, देन व्हाट हैपेंड, यहां पर समीकरण दो में हम मान रख दें ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर टू, y dash is equal to 2c, value of c put कीजिए, x minus 2y upon y dash multiplied by x minus c, x minus c की value यहां से put कीजिए, x minus c की value 2y upon y dash। Simple। अब तो सिर्फ calculation रह जाती है, हम calculations कर लेते हैं। ये y dash है, ये 2 है, ये 2y अपॉन y डैश है, मैं इसे 4y अपॉन y डैश लिख सकता हूँ। इस वाले पार्ट पर मैं एलसीएम लेकर इसे सॉल्व कर सकता हूँ। ये एलसीएम इसमें जो मुझे मिलेगा वो y डैश होगा। एलसीएम सॉल्व करें, ये एक्स वाई डैश हो जाएगा, ये माइनस में 2y हो जाएगा। दिस इज द रिलेशन, ये रिलेशन हमें मिल जाएगा। अब लेट्स सी, ये y डैश, ये y डैश इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में y डैश की होल पावर 3 मेरे पास आ जाएगी। ये y डैश की होल पावर 3 हो गई। राइट हैंड साइड पर देखें तो 4y नजर आता है और 4y के साथ टर्म है x y डैश माइनस में 2y। नाउ हमने एज्यूम किया था y डैश का मीनिंग हमारे लिए था dy by dx, तो पुट हियर dy by dx होल पावर 3 इज इक्वल टू 4y x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस में 2y। c एलिमिनेट हो चुका है और मैंने सिखाया था कि जब आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हट जाएगा तो जो रिलेशन मिलेगा वो ही डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है और ऑर्डर डिग्री निकालना हमें पहले से ही आता है। आप इसके अंदर इजीली ऑर्डर डिग्री भी सोच सकते हैं। इसका ऑर्डर 1 रहेगा, हमने एक ही बार डिफरेंशिएशन किया था, एक ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट था, लेकिन आप पाएंगे कि यहाँ डिग्री जो है वो हायर हो चुकी है, डिग्री बढ़ चुकी है। इसकी डिग्री अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पावर 3 है, पावर 3 हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, हाईएस्ट पावर की डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो इट इज़ कम्प्लीटेड नाउ, ये एग्जाम्पल हमारे पास कम्प्लीट है। आप इसे सिस्टमेटिकली नोट कर सकते हैं, आप जिस भी बुक को रेफर कर रहे हैं ये क्वेश्चन मिलेगा जरूर, प्रत्येक बुक्स में ये क्वेश्चन है, जो भी बुक आपके पास है। अगर आप बुक इस समय नहीं ले पाए हैं, अभी तक आपके पास बुक नहीं है, देन डोंट वरी, राइट द क्वेश्चन फ्रॉम हेयर, यहाँ से क्वेश्चन नोट कीजिए। इस रिलेशन की हेल्प से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, यही क्वेश्चन है और ये इसका कम्प्लीटली सोल्यूशन है। आप एग्जाम में इसी तरीके से लिख कर इसे आ सकते हैं, कैलकुलेशन आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। Now I will proceed it, मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ, आप पॉज करें और इसे नोट करें। ओके, देखिए अब बारी है आर्बिटरी कॉन्स्टेंट की संख्या बढ़ाने की। हम एक आर्बिटरी कॉन्स्टेंट पर काफी वर्क कर चुके हैं। यदि आर्बिटरी कॉन्स्टेंट की संख्या एक से ज्यादा हो जाए तो हमारे सामने किस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होंगी, उन सिचुएशंस पर हम अब बात करने वाले हैं। देखिए, मुझे कोई फैमिली ऑफ कर्व इस प्रकार से दी जाए जिसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट की संख्या एक से ज्यादा हो, दो ले लेते हैं और धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते जाते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि आई हैव टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, माना कि दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स की कोई फैमिली है, तो हम ये मान लेते हैं
y is equal to a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x. सिंपल एग्जांपल विद टू आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, दो स्वेच्छ अचरों के साथ. दो स्वेच्छ अचरों के साथ एक रिलेशन मेरे पास है और मुझसे कहा जाता है कि फाइंड आउट कीजिए इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, फॉर्मेशन कीजिए. तो एग्जैक्टली पहला काम हमने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स किए, दूसरा काम ब्रेन को कमांड दे दी कि हमें दो बार डिफरेंशिएशन करना है, ना दो से ज़्यादा और ना दो से कम. लेट्स सी, हम इसका दो बार डिफरेंशिएशन करें. जब आप इसका दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, वाई डैश इट इज डी वाई बाई डी एक्स टू ए की पावर 2x माइनस टू बी ई की पावर माइनस 2x हो जाए. अगेन इस काम को एक बार फिर से करें, y डबल डैश फाइंड आउट करें, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ये 2 यहां पर 4 टाइम्स ऑफ द a e की पावर 2x बनाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होकर के 4 टाइम्स ऑफ द b e की पावर माइनस 2x बनाएगा और ये रिलेशन नंबर 3 मेरे पास आ गया. तो दीज आर द थ्री रिलेशंस. जब हम दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो तीन रिलेशंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, एक वो जो गिवन था, दो वो जो हमने तैयार किए. अब इन तीन रिलेशंस की हेल्प से हमें दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स का विलोपन करना है, एलिमिनेशन करना है. ओके, देखिए व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज है यार. हमारा अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए ए और बी को हटाना विद हेल्प ऑफ दीज थ्री रिलेशंस, इन तीन रिलेशंस की हेल्प से. तो हम हटाते हैं इन तीन रिलेशंस की हेल्प से, कैसे देखिए. तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स का तो ध्यान जा ही चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है, जो केयरफुली देख रहे हैं उनका ध्यान जा चुका है. यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है और अंदर जो वैल्यू मिल रही है ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर माइनस 2x मिल रही है. दिस वैल्यू इज रिपीटेड नाउ, रिपीट हो चुकी है. यही तो y था, अगर यही y था तो फिर मेरे लिए तो बिल्कुल आसान हो चुका है. डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द आई कैन पुट हियर y, मैं इसकी जगह पर y लिख सकता हूँ. और अब a और b दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, मतलब अब जो रिलेशन मुझे मिला है वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इसके सोल्यूशन में होते हैं, हमने सीख रखा है. ओके, तो आई थिंक ये तो बहुत ज़्यादा आसान रहा. बिल्कुल, नो डाउट, ये बिल्कुल आसान है. तो हम इसे नोट कर लें क्विकली. ओके, देखिए अब हम दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट में ही थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. वहां क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, किस किस तरह से हमें इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, मीनिंग निकालना चाहिए, वो सब बातें अब हम सीखना शुरू करते हैं. देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और उसमें वेरियस पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं. एग्जाम में आपको किस किस रूप में मिल सकता है, क्वेश्चन की स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है, मैक्सिमम क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं और हमें कैसे सोचना चाहिए, इस पर हम बात कर रहे हैं. देखिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, वाई इज इक्वल टू ए कॉस एन टी. इस वाई को एक्स कर लेते हैं, x इज इक्वल टू ए कॉस एन टी प्लस बी. एक रिलेशन मैंने लिखा है जो कि x और t पर रिलेशन है, राइट. हम यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में x को और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में t को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे. तो अब ऐसे स्थिति में ये जो मेरे पास सिचुएशन है, इस सिचुएशन में सबसे पहला काम जब मुझसे कहा जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कीजिए, तो इस क्वेश्चन में तीन पॉसिबिलिटीज आपके सामने हो सकती हैं. पहली पॉसिबिलिटी, कुछ ना कहा जाए और सीधा ये रिलेशन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि फाइंड आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन या फॉर्मुलेट द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कीजिए, कोई दूसरी इंफॉर्मेशन ना हो, ऐसा हो सकता है. इस केस में नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट 3 हो जाएंगे,
बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा तो आप उसे रिपीट करके सुन सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई अन्य सूचना नहीं है, कोई अन्य जानकारी नहीं है, तो फिर यहां पर ए, एन और बी तीनों ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हैं, क्योंकि तीनों को फ्री छोड़ दिया गया है, तीनों के बारे में कोई सूचना नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इसका मतलब तीनों ही आर्बिट्री। ये पहला केस मैंने आपको समझाया है। दूसरा केस आपको लिख करके दिया जा सकता है कि इनमें से कौन कौन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है। कभी कभी लिख दिया जाता है कि यहां ए और बी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है। बहुत ध्यान से बात को सुनते जाइएगा। अगर ए और बी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हैं और एन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो इसका मतलब यह होता है कि एन गिवन कॉन्स्टेंट है। गिवन कॉन्स्टेंट है मतलब फिक्स्ड कॉन्स्टेंट है, आर्बिट्री नहीं है। जितने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आपको बताए जाएंगे उतने ही हम मानेंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो आई थिंक ये बात यहां तक आपको समझ में आई। फर्दर देखिए, वन मोर सिचुएशन इज देयर, एक और स्थिति यहां हो सकती है। वो क्या? आपसे कहा जाए कि ये इक्वेशन SHM की इक्वेशन है। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, फिजिक्स में आप पढ़ते आए हैं, 11th 12th में आपने पढ़ा है। आपसे कहा जाए कि ये रिलेशन SHM को रिप्रेजेंट करता है, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, टी जो है वो टाइम हो गया। तो ऐसे स्थिति में जब ये बोल दिया जाए कि इक्वेशन SHM की ये सरल आवर्त गति की है, तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए उस समय। तो अब ये जो टी का मल्टीपल यहां मुझे नजर आ रहा है, ये SHM की इंटेंसिटी हो जाएगी, तीव्रता हो जाएगी। अगर ये तीव्रता हो जाएगी, ये इंटेंसिटी हो जाएगी, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये तो फिक्स हो जाएगी। फिक्स हो जाएगी तो ये जो एंड है ये फिक्स्ड कांस्टेंट की कैटेगरी में चला जाएगा। मुझे उम्मीद है आपने मेरी पूरी बात सुन ली है ध्यान से। अगर यहाँ SHM लिखा हुआ आ चुका है, सरल आवर्त गति लिखा हुआ आ चुका है, तो ये जो एन है ये फिक्स्ड कांस्टेंट बन चुका है, नियत अचर बन चुका है, आर्बिट्रेरी नहीं रहा। तो फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन कौन बचे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ कौन कौन? ए और बी। तो हम कह सकते हैं कि जहां ए तथा बी स्वेच अचर है, ए एंड बी आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यह हमने मार्क कर लिया। जब ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते समय हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का ही एलिमिनेशन करेंगे, इन्हीं का विलोपन करेंगे। एन अगर आर्बिट्रेरी नहीं है तो एन हमारे लास्ट आंसर में मौजूद होगा, उसका हमें एलिमिनेशन नहीं करना, उसका विलोपन नहीं करना। आई थिंक आपने ये बात समझ ली है। ओके, तो फिर हम देखते हैं कि मुझे कितनी बार डिफरेंशिएशन करने का राइट है, अधिकार है। दो बार डिफरेंशिएशन करने का अधिकार है। तो मैं यहाँ पर इसकी हेल्प से एक बार डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इम्प्लाइज डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू द, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। ध्यान दें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने टी को लिया हुआ है। तो अब हम टी यहां लिखते हैं, तो यहां पर डीएक्स बाई डी टी लिखेंगे, ये डीएक्स बाई डी टी आ जाएगा। फॉर आवर कन्वीनियंस हम इसे एक्स डॉट मार्क कर दें, एक्स डॉट लिख दें, एक्स डैश लिख दें। डायनेमिक्स में प्रचलन है डॉट लगाने का, तो मैंने यहां पर डॉट लिख दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे एक्स डैश भी लिख सकते हैं, या आप सिंपली डीएक्स बाई डी टी से भी काम कर सकते हैं, ये तो हमारी चॉइस है। ओके, क्या मिलता है मुझे? डिफरेंशिएशन करें, यहाँ पर कोस का डिफरेंशिएशन माइनस में आ जाएगा, ये एन, ये ए और ये साइन एन टी प्लस बी मुझे मिल जाएगा। ये रिलेशन नंबर वन था, ये रिलेशन नंबर टू है। ना व्हाट हैपेंड, देखिए ये एक्स डबल डॉट मैंने लिखा, ये एक्स डबल डॉट लिखा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर मैंने किया, और फिर यहाँ पर फिर से डिफरेंशिएशन किया, माइनस बना रहेगा, एक एन है एक ए है, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर से एन बाहर निकलेगा और ये टर्म एन स्क्वायर ए कॉस एन टी प्लस बी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये रिलेशन नंबर थ्री मुझे मिलेगा।
अब मेरा काम है कि मुझे 1, 2 और 3 नंबर की इक्वेशन से ए और बी का एलिमिनेशन करना है, ए और बी का। तो आप पाएंगे कि ये वैल्यू तो रिपीट हो चुकी है, ए कॉस एन टी प्लस बी यहाँ पर था, तो फिर हम यहाँ पर वैल्यू डाल दें। ये एक्स डबल डॉट है जो मैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख रहा हूँ, और ये माइनस एन स्क्वायर है, और ये वाली वैल्यू वापस एक्स की वैल्यू है। ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ध्यान आ गया है, ये एस एच एम की ही समीकरण है, सरल आवर्त गति की समीकरण है, फिजिक्स के अंदर आपने कई बार इसे काम में लिया हुआ है। तो ये एक तरीका मैंने आपको बताया दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स का एलिमिनेशन करके, और इसमें कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिए जहाँ काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला। होप सो आपको सारी बात समझ में आई है, राइट। अब बारी रहेगी इनका भी लेवल बढ़ाने की, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट भी बढ़ाते चले जाएंगे, क्वेश्चंस की वैरायटी, क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाते चले जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम इससे और अधिक हायर लेवल पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।